साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। आज सबसे पहले जो सबसे बड़ा दिन है शिक्षकों के लिए, उसी के उपलक्ष्य में आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो आप सभी को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप हमारी सारी क्लासेस को फ्री पढ़ रहे हैं। आपसे हम निवेदन करेंगे शिक्षक दिवस पर कि अगर आप तक हमारा चैनल पहुंच रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। उसके बाद अभी तक हमने इतिहास में जो मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है, इसमें तीन अध्याय पढ़ा चुके हैं, तीन चैप्टर। ये चौथा अध्याय है जिसके अंतर्गत आज मोहम्मद गोरी की चर्चा करेंगे, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो प्राचीन इतिहास में हमने पूरा प्राचीन इतिहास बहुत अच्छे तरीके से जितना प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करवाया है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्लास के अंतर्गत आज जो चैप्टर है वह है गोरी, ठीक है। तो यहाँ पे आइए अभी एक एक करके लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो गोरी है यह तुर्कों का संसबानी वंश था। कौन सा वंश के थे? गोरी संसबानी वंश से संबंधित था, ठीक है। मध्य एशिया में गोर प्रदेश था जो कि अच्छे घोड़े और लौह इस्पात के लिए विख्यात था, ठीक है। इस्लाम को स्वीकार करने से पूर्व वहाँ के निवासी बौद्ध ध्यान जो बौद्ध धर्म है वो इसके अनुयायी हुआ करते थे। बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा है उसी के मत को मानने वाले ये लोग थे, ठीक है। यहीं पर एक वंश का उदय हुआ जो इतिहास में गोरी वंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गोर में इस्लामी सभ्यता के सांस्कृतिक राजनीतिक प्रभाव महमूद गजनबी के समय देखते हैं। अगर इस्लाम धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ा, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव, तो महमूद गजनबी के समय से यहाँ पे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब आगे देखिए, उसने गोरियों को इस्लाम धर्म के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त कर दिए। अब आगे देखिए, वस्तुतः गोरी आरंभ में गजनी के अधीन था। ये जो गोरी नामक स्थान है यह पहले गजनी नामक स्थान के अधीन था। उनकी जो शक्ति है अलाउद्दीन के काल में बढ़ने शुरू हुई। आगे चल करके इसकी जो शक्ति है वह अलाउद्दीन के काल में काफी बढ़ गई। अलाउद्दीन ने महमूद गजनबी की कब्र को छोड़ करके गजनी वंश के सभी शासकों की कब्रों को खुदवाकर उनकी हड्डियों को हवा में फैला दिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अलाउद्दीन ने महमूद गजनबी की कब्र को छोड़ करके गजनी वंश के सभी शासकों की कब्र को खुदवा करके उनकी हड्डियों को हवा में फैला दिया। अब आगे देखिए, अलाउद्दीन ने गजनी को 7 दिनों तक जलाया। इसी कारण से जहाँ सोझ
या दुनिया को जलाने वाला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन को क्या कहा जाता है, जहां सोजे या दुनिया को जलाने वाला, वर्ड बर्नर, ठीक है, अंग्रेजी में से वर्ड बर्नर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके पश्चात उसका चचेरा भाई गियासुद्दीन 1163 ईस्वी में गोर का शासक बना। गियासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन था, उसने 1173 ईस्वी में गजनी को जीता था। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है, ये कहते हैं कि उनकी माता बड़े भाई को हाबसी और छोटे को जंगी कहा करती थी। ठीक है, मिन्हाजुद्दीन जो सिराज हैं वो कहते हैं कि जो उसकी माता थी बड़े भाई को हफ्सी और छोटे भाई को जंगी के नाम से जानती थी। अब देखिए, जो शिहाबुद्दीन था गजनी का शासक बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जो ये बना है कालम, अब इसमें थोड़ा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, यह नाम मोहम्मद बिन कराम, जिसके जिसका समय है 869 ईस्वी। ठीक है, जो करामी संप्रदाय है इसके विषय में आपको बताते हैं, यह नाम मोहम्मद बिन कराम के नाम पर पड़ा, जो सिजिस्तान का निवासी था। सुल्तान महमूद गजनवी ने करामियों को संरक्षण प्रदान किया। आगे चल करके करामी संप्रदाय ने इस्लाम और बौद्ध धर्मों के बीच एक प्रवेश मार्ग की भूमिका निभाई। मिन्हाजुद्दीन सिराज ये कहते हैं कि गयासुद्दीन और मुइजुद्दीन दोनों भाई पहले करामी थे, उसके पश्चात वह शेख बहीदुद्दीन मरबारूदी के प्रयासों से वह सुन्नी शरीयत में सम्मिलित हुए। उनके धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिन्हाज और इब्ने असीर ने किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यही वह शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था जिसने 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने सर्वदा अपने बड़े भाई गियासुद्दीन का सम्मान किया और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को उसके अधीन माना। उसने अपने भाई के नाम से सिक्के ढलवाया, खुतबा पढ़वाया। इस तरीके से जो मोहम्मद गोरी है अपने बड़े भाई गियासुद्दीन का हमेशा सम्मान किया करता था। सम्मान के तौर पर वह उनके नाम से सिक्के भी ढलवाया और उनके नाम का खुतबा भी पढ़वाया। अब आगे देखिए, मोहम्मद गोरी अपने भाई की आज्ञा के बिना किसी भी अभियान पर नहीं गया। 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गोरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि को धारण किया। ठीक है, मुइजुद्दीन की उपाधि किसने धारण की, वह था मोहम्मद गोरी। ठीक है, जब मुइजुद्दीन की उपाधि उसने धारण की, उसके बाद उसने गोर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे,
जब मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की तब जाकर के मोहम्मद गोरी का नाम हो गया मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब इसके जो और नाम है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए अन्य नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक, अन्य नामों में यहाँ देखिए जंगी, शिहाबुद्दीन, खुरासान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शिहाबुद्दीन की उपाधि मुइजुद्दीन हो गई। ठीक है, शिहाबुद्दीन की उपाधि मुइजुद्दीन हो गई। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम। ठीक, अब इसमें इसके वंश के विषय में आपको बताएं, इसमें इसका जो वंश है वह है शंस बनी इसका वंश था मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक शब्द आया है जुहाक, कौन शब्द है यहाँ पे लिखा है जुहाक। अब जुहाक के विषय में आपको बता दें कि पौराणिक नायक जुहाक को मुइजुद्दीन के वंश का प्रथम पूर्वज बताया गया है। आपको ध्यान देना है, पौराणिक नायक एक है जिसका नाम है जुहाक, उसको मुइजुद्दीन के वंश का प्रथम पूर्वज बताया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मिनहाज के तबकात ए नासरी, आपको ध्यान देना है तबकात ए नासरी जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं उनका नाम है मिनहाज। ठीक है, इन्होंने तबकात ए नासरी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण देते हैं। जो मिनहाजुद्दीन सिराज हैं उन्होंने जो पुस्तक लिखी तबकात ए नासरी उसमें मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण उन्होंने उसमें लिखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण के कारण। ठीक है, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे, अब उसकी चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, भारत में साम्राज्य स्थापित करना, पंजाब को जीतना जो कि गजनी के जो गजनी वंश है उसके खुसरो मलिक के अधीन था। ठीक है, आक्रमण करने का जो कारण था उसमें भारत में साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। उसके बाद जो पंजाब क्षेत्र है उस पंजाब क्षेत्र पर गजनी वंश का एक था शासक, उसका नाम था खुसरो मलिक, वह इस पर अपना शासन सत्ता चलाता था। उसके बाद देखिए जो तीसरा काल इसका है वह है अपने बड़े भाई से समझौता हुआ कि वह पश्चिम की ओर राज्य विस्तार करेगा और शिहाबुद्दीन पूर्व की ओर करेगा। ठीक है, अपने बड़े भाई से समझौता किया कि वह पश्चिम की ओर अब राज्य विस्तार करेगा और जो शिहाबुद्दीन है वह पूर्व की ओर राज्य का विस्तार करेगा। अब उसके बाद देखिए, धर्म का विस्तार करना एवं धन की लालसा के कारण वह भारत पर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हुआ। इन्हीं सब कारणों की प्रधानता भारत पर साम्राज्य स्थापित करने की उसकी महत्वाकांक्षा बनी रही। ठीक है, अब आगे देखिए, हाँ एक मिनट, अब यहां देखिए प्रमुख अभियान क्या है, प्रमुख अभियान। अब आगे देखिए कि मोहम्मद गोरी के समय उत्तर पश्चिम में जो उत्तर पश्चिमी भारत है, भारत में तीन मुस्लिम राज्य थे,
इसमें लाहौर में खुसरो शाह था, मुल्तान में करमाथी रहते थे और सिंध में सुमरा वंश का शासन था। ठीक है, जिस समय मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य शासन सत्ता में थे। जो पहला राज्य था वह था लाहौर में खुसरो शाह, ठीक है। जो दूसरा वंश था वह था मुल्तान में करमाथी। जो तीसरा वंश था वह था सिंध में सुमरा वंश। कि आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम में कौन से राजवंश शासन सत्ता में थे, तो इन तीन नामों को हमने बताया। अब आगे चलते हैं। अब देवल सिंध की राजधानी थी, ठीक है। जो देवल थी वह सिंध की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद देखिए, मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पे यह भी प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद गोरी ने किस दर्रे से या किस मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था, वह था गोमल दर्रा, ठीक है। अब आगे देखिए, उसका पहला आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रे के रास्ते का प्रयोग करके भारत पर जो पहला आक्रमण किया वह 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के सियाओं, जो इस्लामी नास्तिक थे, उसके ऊपर इसने आक्रमण किया था, ठीक है। अब आगे देखिए, सुल्तान के साथ गोरी ने उच्च एवं निचले सिंध को भी जीत लिया, ठीक है। जो मुल्तान है उसके साथ साथ गोरी ने दो और क्षेत्र को जीता, जिसमें एक क्षेत्र है उच्च और दूसरा क्षेत्र है निचला सिंध। इसको मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान के साथ जीत लिया था। अब आगे देखिए, यहाँ पे 1178 ईस्वी, 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है। 1178 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। आपको ध्यान देना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया था, तो 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक मूल राज या भीम द्वितीय ने, ठीक है, यहाँ के शासक मूल राज, सॉरी, यहाँ पे मूल राज भीम द्वितीय ने अपनी विधवा माँ, सॉरी, अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ी के निकट कायद्रा ग्राम के काशहद मैदान में, ध्यान दीजिएगा, यह मैदान का नाम है काशहद मैदान। ये मैदान का नाम ही पूछ सकता है कि गुजरात के जो शासक थे मूल राज्य द्वितीय या भीम द्वितीय, उन्होंने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के साथ किस स्थान पर मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, तो वह स्थान था काशहद का मैदान, ठीक है। यह काशहद का मैदान जो है किस ग्राम के समीप स्थित है, तो वह ग्राम का नाम है कायद्रा ग्राम। अब यह कायद्रा ग्राम जो है किस पहाड़ी के निकट स्थित है, तो यह पहाड़ी था आबू पहाड़, ठीक है। और इस सेना का नेतृत्व भीम द्वितीय ने
यहाँ देखिए जो भीम दूती है उन्होंने अपनी माए नायिका देवी के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा था। ठीक है, अब देखिए यह भारत में गोरी की पहली पराजय थी। ये जो काशहद मैदान में मोहम्मद गोरी और भीम दूती के बीच लड़ाई आबू पहाड़ के नीचे कायदा ग्राम में लड़ी गई थी, इसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। यह हार जो थी मोहम्मद गोरी की पहली हार थी। अब आगे देखिए गोरी का अगला जो आक्रमण हुआ वह 1179 ईस्वी में पंजाब में गजनी के अंतिम शासक खुसरो शाह पर हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि गोरी ने पहले पेशावर जीता, उसके बाद उसकी राजधानी लाहौर को 1186 ईस्वी में जीता था। ठीक है, अर्थात इस तरीके से इसने जो तीनों पश्चिमी राज्य थे, उत्तर पश्चिमी राज्य थे, उस पर एक एक करके इसने हमला किया और उसको जीता था। लेकिन जो दूसरा हमला इसने किया था 1178 में, वह उसमें उसको पहली हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आप आगे चलते हैं इसमें देखिए, इस मुहिम में गोरी को जम्मू के राजा विजय देव का सहयोग प्राप्त हुआ। जब मोहम्मद गोरी यहाँ आक्रमण करने के लिए आया तो वहां पे एक राजा थे जम्मू कश्मीर में, उनका नाम था विजय देव, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, जिसकी सहायता से मोहम्मद गोरी ने इन सब पर जो लाहौर पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था। अब आगे देखिए खुसरो शाह बाला खान नामक दुर्ग में भेज दिया गया। खुसरो शाह हार गया पंजाब वाला, तो हारने के बाद खुसरो शाह को बाला खान नामक दुर्ग में भेज दिया गया था। अब आगे देखिए अली करमक को लाहौर की जिम्मेदारी दे दी गई थी। ठीक है, जब लाहौर जीत लिया मोहम्मद गोरी ने तो वहां पे एक थे अली करमक, अली करमक को लाहौर की जिम्मेदारी दे दी गई तथा न्याय प्रबंधन मिनहाज के पिता सिराजुद्दीन को सौंप दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे 1182 ईस्वी में देवल के विरुद्ध अभियान किया। मोहम्मद गोरी ने देवल के विरुद्ध अभियान कब किया था, 1182 ईस्वी में, और सुरमा शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार की। अब आगे देखिए 1185 ईस्वी में गोरी ने सियालकोट को भी जीत लिया। अब यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि मोहम्मद गोरी ने देवल के विरुद्ध अभियान कब किया, तो 1182 ईस्वी में। अब यहाँ पे सियालकोट से संबंधित प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद गोरी ने 1185 ईस्वी में किस क्षेत्र को जीता था, तो वह क्षेत्र का नाम है सियालकोट। ठीक, अब यहाँ आगे चलिए, अब 1188 की बात करें तो 1188 में गोरी ने भटिंडा अभियान किया और तबर हिंद के किले को जीत लिया। ठीक है, 1178 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भटिंडा के ऊपर आक्रमण किया और तबर हिंद के किले को जीत लिया था। यह घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण बनी। आपको ध्यान देना, अगर परीक्षा में थोड़ा टिपिकल बनाए प्रश्न, परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सी घटना है जो तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण बनी थी,
तो आपको समझना है कि 1188 ईस्वी में गोरी ने जब भटिंडा को जीता और तबर हिंद के किले को उसने अपने कब्जे में ले लिया, तो यही घटना थी जो तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण बनी। क्योंकि दिल्ली और अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहा गया, इस पर अपना दावा करता था। ठीक है, आगे देखिए, गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पास इस मुद्दे पर बातचीत करने हेतु एक दूत भेजा था। दूत का नाम था कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि परीक्षा में प्रश्न बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना है कि जब तराइन का युद्ध होने को हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पास किसे दूत बनाकर उसके पास भेजा था, तो उसका नाम था कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा। ये थे मोहम्मद गोरी के दूत। जब इनको दूत बना के भेजा, लेकिन जो उनकी वार्ता हुई वह सफल नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं 1191 की। 1191 भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है। ठीक, जब दोनों के बीच बातचीत हुई तो बातचीत अगर असफल रही तो उसके बाद 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो सेनापति था वह था पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय, जिसे अशकंद के नाम से भी जाना जाता था, या खंडे राव। आपको ध्यान देना, अगर थोड़ा टिपकर प्रश्न बना दे तो यही आपके वो अगर उलझाने की कोशिश करे आयोग, तो समझ लीजिए यहाँ पे कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वी राज्य की सेना का सेनापति कौन था युद्ध का? तो वह था पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय। या गोविंद राय के स्थान पर अशकंद का नाम भी दे सकता है, या खंडे राव का नाम भी दे सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखिए, जिसने युद्ध में भाले से गोरी को घायल कर दिया था, ये जो गोविंद राय है, जो गोरी के पृथ्वीराज तृतीय की सेना का सेनापति था, उसका भाई ये गोविंद राय तराइन के प्रथम युद्ध में भाला से गोरी को घायल कर दिया था। परंतु तब एक खिलजी अधिकारी ने गोरी की जान बचा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अब चर्चा करेंगे 1192। ठीक है, अब यहां पे देखिए 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की सजगता एवं श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। ठीक है, जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी, लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वह उस युद्ध को गोरी ने जीता था। ठीक है, एक जो इतिहासकार हैं फरिश्ता, उनके अनुसार राय पिथौरा की सेना में 300,000 राजपूत और अफगान अश्वारोही थे। मुइजुद्दीन की सेना में गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी थे, जिसमें नाम था खारबक, दूसरा नाम था खरमेल, तीसरा नाम था इलाह, चौथा नाम था मुकल्ला।
ठीक है, मुकलबा कि आपको ध्यान देना है कि मुइजुद्दीन की सेना में गजनी के जो चार प्रसिद्ध सेनानी थे उनका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हायर में या फिर नेट में या फिर प्रवक्ता में कहीं भी प्रश्न को यहाँ पे थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए दे सकता है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना में गजनी के चार प्रसिद्ध सेनानी का नाम दे देगा, तो उसमें आपको समझना है पहले का नाम क्या है खारबक, दूसरे का नाम है खरमेल, तीसरे का नाम है इला, चौथे का नाम है मुकलबा। ठीक है, जो चार नाम है इसके सेना जो सेना थे उसमें सैनिक थे सेनानी थे। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त यलदौज भी था, कुबाचा भी था और ऐबक थे। आपको ध्यान देना है चार के अलावा आगे चल करके, ये तो चार तो इनका नाम यहीं तक है, लेकिन जो यलदौज है कुबाचा है और ऐबक ये आगे चल के दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या नाम इनका, यलदौज, कुबाचा और ऐबक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे कि गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया, वही गोविंद राय जो पृथ्वीराज का भाई था वो द्वितीय युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ था इस युद्ध में वह युद्ध करता हुआ मारा गया। पृथ्वीराज सरस्वती या सिरसा के निकट पकड़ा गया। ठीक है, अब आगे देखिए चंदवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बना करके मोहम्मद गजनवी जो सॉरी मोहम्मद गोरी इसे गजनी ले गया, वहीं गोरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया। ठीक है, अब आगे मिन्हास जो है इतिहासकार वो कहते हैं कि पृथ्वीराज की तुरंत हत्या कर दी गई थी। अब अगले इत्यादि कि इसको जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को गजनी लेके गए तो जो तमाम इतिहासकार हैं उनके विषय में अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं, जिसमें अभी हमने बताया मिन्हाज जो सिराज हैं उन्होंने कहा पृथ्वीराज की गजनी ले जा करके तुरंत उसकी हत्या कर दी गई। चंद्रवरदाई ने कहा पृथ्वीराज को बंदी बना करके गजनी ले गया, वहीं पर गोरी की हत्या के अपराध में उसका वध किया गया। अब देखें एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हसन निजामी। क्या नाम है इनका, हसन निजामी। इन्हीं का मत है जो सबसे ज्यादा मान्य है, ये कहते हैं कि पृथ्वीराज ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय तक अजमेर में शासन किया था। इस मत की पुष्टि अगर कहीं से हुई तो संस्कृत का एक ग्रंथ है किसल विधि विद्यो वंशा। ठीक है, एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इस मत की पुष्टि होती है। ठीक है, अब आगे देखिए साथ ही पृथ्वीराज के कुछ सिक्के के पीछे भाग में श्री मोहम्मद शाम भी लिखा हुआ इस बात को प्रमाण प्राप्त करते हैं, प्रमाण देते हैं। परंतु जब पृथ्वीराज ने विद्रोह का खड्यंत्र किया तब उसे मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, उसके मृत्यु के पश्चात गोरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाया तथा दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को शासक बनाया। ठीक, अब आगे चलते हैं। वस्तुतः गोरी ने आरंभ में अपने विजित प्रदेशों में हिंदू राजाओं को ही शासक नियुक्त किया था। अब यहाँ पे देखिए इंद्रपत या इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर सैनिक मुख्यालय या लश्करगाह स्थापित किया था। इसका जो उद्देश्य था कि हिंदुओं की भावनाओं को संतुष्ट करके मुस्लिम विजय को संगठित करना था। ठीक है, अब आगे देखिए
गौरी ने इंद्रप्रस्थ में अपने विश्वास प्राप्त सहायक ऐबक के नेतृत्व में 1,00,000 की सेना यहाँ पर रख दिया, जिसका कार्य था हिंदू शासकों से संधि करना, विद्रोह को दबाना। इसीलिए ऐबक का पहला मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ ही था। इधर अजमेर में हरिराज ने गोविंद राज को हटा करके चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, परंतु ऐबक को ऐबक से हारने के कारण हरिराज ने चिता में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब से अर्थात 1194 ईस्वी में अजमेर को ऐबक ने अपने प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया। इसी अवसर पर ऐबक ने 2 स्थापत्य बनवाया, ठीक है। जो पहला स्थापत्य उसका है वह है, पहला जो जो बिल्डिंग बनवाई तो उसमें दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या कुब्बत उल उसे इस्लाम कहा गया। कुब्बत उल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की ताकत। जैसे एक कहावत कही थी, आप में कितनी कुब्बत है, कुब्बत का मतलब क्या होता है, आपकी ताकत, ठीक है। इसमें इसका मतलब है कि इस्लाम की ताकत, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ, इसे विशल देव कहा गया, इनके द्वारा इन्होंने एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था, को 1196 ईस्वी में उसे इसने तुड़वा दिया और उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाना शुरू किया, जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, परीक्षा में प्रश्न बनता है या आगे भी बन सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो ऐबक इसे बनवाना शुरू किया, तो कब से बनवाना शुरू किया, तो 1196 ईस्वी में इसे बनवाना शुरू किया। अब कब तैयार हुआ, 1200 ईस्वी में जाकर के यह प्रक्रिया पूरी की गई। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद बनवाया, तो इसके स्थान पर कौन सा संस्कृत विश्वविद्यालय था, तो देखिए यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जो अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ या विशल देव द्वारा निर्मित करवाया गया था, ठीक। अब आगे देखिए, अब 1194 की बात करते हैं। 1194 ईस्वी में गौरी ने यमुना तट पर स्थित चंदावर नामक स्थान पर कन्नौज एवं बनारस के गहड़वाल शासक जयचंद को हराया था। आपको ध्यान देना है, कन्नौज और बनारस के जो जिस वंश का शासन था वह था गढ़वाल वंश का शासन। उसके जो शासक का नाम है, उनके शासक का नाम है जयचंद, ठीक है। 1194 ईस्वी में जो चंदावर नामक स्थान है, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। जो चंदावर का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1194 ईस्वी में। अक्सर यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि 1194 ईस्वी में चंदावर नामक जो युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जयचंद गोरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध में तटस्थ रहा था, ठीक। अब आगे देखिए, 1194 ईस्वी में गोरी वापस चला गया। जब चंदावर का युद्ध गोरी ने जीत लिया, तो जीतने के बाद गोरी वापस गजनी चला गया था।
और विजित प्रदेशों को संगठित करने का जो दायित्व उसने सौंपा वह सौंपा था ऐबक को। ठीक है, अब आगे देखिए 1195 ईस्वी में ऐबक ने कोइल कोइल जिसे कहा गया अलीगढ़ तथा 1196 ईस्वी में रणथंभौर किले को ऐबक ने जीत लिया था। ठीक, अब आगे देखिए 1195-96 में गोरी ने बयाना जीता, उसके बाद ग्वालियर को बहाउद्दीन तुगरिल ने जीत लिया था। ठीक, अब आगे देखिए परिहार वंशीय सललखन पाल ने गोरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक, परिहार वंशीय एक शासक था जिसका नाम था सललखन पाल, इसने गोरी की अधीनता अपने आप स्वीकार कर ली। इधर अजमेर में मेढ़ों ने विद्रोह कर दिया जिसे ऐबक ने दबाया था। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आते हैं 1197 में। 1197 में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ को लूट लिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है मोहम्मद गोरी ऐबक जो ऐबक है उसने 1197 में गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ को लूटा था। ठीक है, अब देखिए इसी लूट के पैसे से उसने इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, अब आगे देखिए, लेकिन गुजरात के शासक भीम द्वितीय के विरोध के कारण ऐबक गुजरात पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पाया। ऐबक ने राष्ट्रकूट राजा से बदायूं 1197-98 ईस्वी में जीत लिया। अब आगे देखिए, एक इतिहासकार हैं फकरे मुदब्बिर, क्या नाम इनका, फकरे मुदब्बिर एकमात्र इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि 1199-1200 ईस्वी में ऐबक ने मालवा को जीता था। संभवतः अगर इतिहासकार मानते हैं यह एक धावा मात्र रहा होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब चलते हैं 1202 ईस्वी में। ठीक है, 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल राजा परमर देव को हरा करके बुंदेलखंड के कालिंजर महोबा, महोबा को महोत्सव नगर भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद खजुराहो, इन तमाम क्षेत्रों को ऐबक ने 1202 ईस्वी में जीत लिया था। ठीक, अब देखिए परमर देव के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अजय देव, इन्होंने विद्रोह कर दिया तो इस विद्रोह को वहां पे दबाया था। ठीक है, अब देखिए तीनों नगर हसन अर्नल के अधीन रख दिया। 1204 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार किया। उसने ओदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ठीक, जो बख्तियार खिलजी है 1204 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। ठीक है, अब इसी के क्रम में उसने पहुंचा ओदंतपुरी, उसको उसने नष्ट किया, फिर गया वो विक्रमशिला, उसको वहां पर लूटा और उसका विनाश किया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय जाता है, उससे उसको लूट लिया। ठीक, और पूरी तरीके से उसे नष्ट कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ वह बिहार को भी जीता और बंगाल को भी जीत लिया। कौन जीता था इसे, 1204 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ठीक, अब आगे चलते हैं, मिनहाज कहते हैं जो इतिहासकार हैं
यहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था, जिसकी राजधानी थी नदिया। ठीक है, अब आगे लक्ष्मण सेन ने विपत्ति के निवारण हेतु 1203 ईस्वी में इंद्रिय महाशांति यज्ञ संपन्न करवाया था। ठीक, गौरी का कुरूप सरदार बख्तियार, जो इस समय ऐबक का अधिकारी था, एक बार अपनी कुरूपता के कारण दिल्ली और गजनी में नौकरी ना कर सका था। देखिए, जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी है, यह देखने में काफी कुरूप था। वह एक बार नौकरी मांगने के लिए गया था, जो अकबर का ऐबक का अधिकारी था, लेकिन उसकी कुरूपता के कारण उसे नौकरी नहीं दी गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले उसी ने नदिया पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। उसके शासक लखनौती जो उसने जीता, उसको अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। इस विजय के पश्चात मुइजुद्दीन ने उसे खिलवत भेजकर सम्मानित किया, खिलवत भेज करके उसे सम्मानित किया। ठीक है, अब देखिए, ऐबक ने भी न केवल उसे सम्मानित किया, बल्कि अमीरों को आज्ञा दी कि उसे उपहार प्रदान करें। बख्तियार ने लखनऊती में मुइजुद्दीन के नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको लेकर के 1205 ईस्वी में, कब चलते हैं, 1205 ईस्वी की चर्चा करते हैं। अब इसमें मोहम्मद गोरी अंध खुद के युद्ध में ईरान के ख्वारिज्म शासक से भयंकर रूप से हार गया। आपको ध्यान देना है, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और ख्वारिज्म जो ईरान का शासक था, इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। वह जो युद्ध हुआ था, वह हुआ था अंध खुद नामक स्थान पर। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से हार गया। यह हार गोरियों के लिए छिपा वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब उसका एशिया से मोह भंग हो गया और उसे पूर्णतः अपना ध्यान भारत पर लगाना पड़ा। लगभग इसी समय पंजाब में खोखरों ने भी विद्रोह कर दिया। उसके बाद जब खोखरों ने विद्रोह कर दिया, तो मोहम्मद गोरी ने अपनी आखिरी जो अभियान किया था, वह झेलम एवं चिनाव नदियों के बीच 1206 ईस्वी में खोखरों पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया और बड़े पैमाने पर खोखरों का उसने कत्ल कर दिया। इस खोखर अभियान में इल्तुतमिश ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, जिससे प्रभावित होकर के गोरी को आदेश दिया कि इसे दासता से मुक्त कर दे। अतः जो दास है इल्तुतमिश, अपने स्वामी ऐबक से पहले ही दासता से मुक्ति पा लिया था। गोरी ने ऐबक को इल्तुतमिश के साथ सहृदय व्यवहार का आदेश दिया। इस तरीके से आपको जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी मोहम्मद गोरी के विषय में, उसकी चर्चा हमने की। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, हाँ, अब चलिए, ठीक, अब देखिए इसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इसकी चर्चा करते हैं।
देखिए इसमें पहली जो है वह फखरुद्दीन राजी एवं नजामी उर्जी गोरी के दरबार में जो विद्वान थे वो रहा करते थे। फखरुद्दीन राजी और नजामी उर्जी ये दोनों विद्वान गोरी के दरबार में रहा करते थे। दूसरा जिसकी उपलब्धि है, गोरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति युक्त सिक्के को चलवाया था, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा गया था। आपको समझना है यहाँ पे कि ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति युक्त सिक्कों को चलाया था, जिसके पीछे देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा गया है। तो वह थे मोहम्मद गोरी। तो इसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट है, इसमें है भारत में इकता प्रथा को शुरू करने वाला शासक कौन था? वह था मोहम्मद गोरी। ठीक है, भारत में इकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वह किए थे मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे तबकाते नासरी एक पुस्तक है जिसमें कहा गया है कि एक बार गोरी ने कहा कि उसके दास ही उसकी आशाओं का आधार है, क्योंकि वह उसके सुदूर अभियानों का दायित्व संभाल सकते हैं। इससे उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके दास ही उसके पुत्र हैं और उसके बाद वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, अब देखिए जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु है उसके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे कि मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हुई थी वह सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम के समय नमाज पढ़ते समय किसी ने 15 मार्च 1206 में उसकी हत्या कर दी। आगे देखिए, चंदवरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस्माइल जो मत है कि अनुयायियों ने इसकी हत्या की, तो कुछ इतिहासकार खोखरों को इसका श्रेय देते हैं। यलदाव जो है यह गोरी का शव गजनी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मुआदुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी को नियुक्त किया था। आपको ध्यान देना, यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुआदुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला संजरी ने मोहम्मद गोरी की जो शव थी उसे गजनी तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया था। तो किसने नियुक्त किया था? तो यलदाओ जी ने उसे नियुक्त किया था। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी के शव को गजनी में दफना दिया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात गजनी में अलाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी बनाया गया, किंतु गियासुद्दीन ने उसे हटाकर स्वयं शासक बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे चर्चा करते हैं कि मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी। इसको पढ़ने से पहले यहां इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस ब्लॉक के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, आपको यहाँ पे देखना है मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इसके विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें थी दोनों को हम बताते हैं आपको। देखिए, पहला जो इसमें है कि महमूद गजनवी जन्मजात सेनापति था। ये प्रश्न बनता है अक्सर कि कौन
शासक था जिसे जन्मजात सेनापति कहा जाता है, तो वह था महमूद गजनवी। अपने किसी भी अभियान में, चाहे वह भारत में रहा हो या मध्य एशिया में, वह कभी नहीं हारा था। ठीक है, मोहम्मद गोरी अपने अवसरों पर, अनेक अवसरों पर पराजित हुआ, लेकिन उसकी विशेषता थी कि पराजयों से उबरने और गलतियों को सुधारने की उसमें अपूर्ण क्षमता भी थी। ठीक है, दूसरी जो तुलना दोनों में है, महमूद गजनवी और गोरी में, वह है भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय महमूद गजनवी को जाता है, परंतु भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। आपको ध्यान देना है, भारत भूमि में प्रवेश करने का श्रेय महमूद गजनवी को दिया जाता है, जबकि भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय अगर किसी को है तो वह था मोहम्मद गोरी। ठीक है, लेकिन वह बुनियादी महमूद गजनवी ने जो उसकी बुनियाद थी राज्य की, उसकी बुनियाद रखने वाला कौन था, तो वह था महमूद गजनवी, जिस पर गोरी ने तुर्की साम्राज्य रूपी भवन को स्थापित कर दिया, क्योंकि गजनवी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत की अग्रिम जो सुरक्षा पंक्ति थी उसी को तोड़कर रख दिया था। अब तीसरा बिंदु यहाँ पे, कि दोनों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में धर्म का सहारा लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वस्तुतः दोनों के सामने भिन्न भिन्न परिस्थितियां एवं चुनौतियां थी, और दोनों को अपने प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसमें दोनों सफल हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, जहां महमूद गजनवी को हिंद की दौलत प्राप्त करना था, वहीं गोरी को हिंद में साम्राज्य स्थापित करना था। इस तरीके से महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन था, हमने इसके विषय में चर्चा की। अब आपको थोड़ा यहाँ पे एक एक करके जो ये ब्लॉक का बना है इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, इससे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल। ठीक है, अब इसकी जो उपाधि थी वह है अल मुइजी अस सुल्तानी। क्या उपाधि थी? अल मुइजी अस सुल्तानी। ठीक है, अब देखिए, यह मोहम्मद गोरी का दास था, जो धनकर दुर्ग पर विजय प्राप्त, जब धनकर दुर्ग, एक दुर्ग है धनकर, जब इस पर विजय प्राप्त हुई तो उसी के अधीन रखा गया था। बाद में उसने बयाना प्रदेश में सुल्तान कोट नामक नगर को बसाया था, उसे अपना इसने मुख्यालय बनाया। बहाउद्दीन तुगरिल की ऐबक से शत्रुता थी, इसी को लेकर के मिन्हाजुल सिराज जो थे उन्होंने कहा कि बयाना के क्षेत्र में बहाउद्दीन तुगरिल द्वारा किए गए अनेक सार्वजनिक काम उसके स्मारक के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। अब अगले देखिए, यहाँ पे मलिक इजुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जिसने 1204 ईस्वी में वहाँ पे हमला किया था बिहार और बंगाल पे, अब इसके विषय में आपकी चर्चा करते हैं। देखिए कि यह मूलतः गर्मसीर का रहने वाला था, तो 15वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं, तिब्बती इतिहासकार, उनका नाम है तारा नाथ
तारानाथ ने कहा कि बख्तियार ने विक्रमशिला एवं नालंदा पर अधिकार कर उखंडपुर में एक दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, अब आगे देखिए, जब बख्तियार खिलजी के तिब्बत अभियान का अंत एक महान दुर्घटना के साथ हुआ, तब जाकर के उसने कहा कि संभवतः मेरे स्वामी सुल्तान मुइजुद्दीन के साथ कोई घटना हुई है जिसके फलस्वरूप भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। अंत में जाकर के अली मर्दान ने बख्तियार की हत्या कर दी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद चलते हैं राजपूतों की विजय के कारण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब चर्चा करेंगे राजपूतों की विजय के कारण। अब यहाँ पे इतिहासकार हैं हसन निजामी और इतिहासकार है मिनहाज। इन दोनों ने तुर्कों की विजय को दैवीय कृपा का परिणाम माना है। ठीक है, वहीं फकरे मुदब्बिर हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ में, इनका ग्रंथ का नाम है अदब उल हर्ब। फकरे मुदब्बिर का जो ग्रंथ है उसका नाम है अदब उल हर्ब। इसमें उसने तुर्की रण प्रणाली में गतिशीलता, अश्वरोही सेना की प्रमुख भूमिका तथा भारतीय सामंती ढांचे वाली सेना को राजपूतों के पराजय का प्रमुख कारण माना। इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, इन्होंने राजपूतों की पराजय का कारण इस्लामी सिद्धांतों जैसे सामाजिक समता, नया धर्म और मुसलमानों का नशा मुक्त होना, भाईचारे की भावना से युक्त होना, इन तमाम कारण को यदुनाथ सरकार ने राजपूतों की पराजय का कारण माना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस संदर्भ में ठंडे देश के इतिहासकार जो हैं जैसे लेनपुर और स्मित महोदय भी अपना अपना तर्क देते हैं। उनका मानना है कि चूंकि तुर्क ठंडे देश के मांसाहारी योद्धा थे इसीलिए उनका सफल होना लाजमी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मतों को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि तथ्य एवं विचारों का गहराई से परीक्षण किया जाए। इसीलिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि राजपूतों के पराजय के क्या कारण नहीं थे, तभी पराजय के कारणों की सही तस्वीर उभर कर सामने आ जाएगी। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम अब राजपूतों की पराजय के कारण को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तुर्कों द्वारा लोहे के रकाब का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए तुर्कों द्वारा लोहे के रकाब का प्रयोग करना पराजय का कारण नहीं था। आगे देखिए, क्योंकि रकाब भारत में 8वीं सदी से ही प्रचलित थी, जैसे खुद एक इतिहासकार जो हैं फकरे मुदब्बिर ने इन तथ्यों को प्रमाणित, जो उन्होंने दिया प्रमाण उससे यह प्रमाणित होता है। अब यहाँ देखिए सतीश चंद्र महोदय का मत है कि हाल के अनुसंधान में यही दिखाते हैं कि तुर्कों के पास भारतीयों से बेहतर हथियार भी नहीं थे। ठीक है, राजपूतों के पराजय के कारण में भौगोलिक एवं
आहार संबंधित तर्क भ्रामक एवं पूर्वाग्रह से युक्त है। ठीक, अब देखिए राजपूतों में भी मनसा मांसाहार की प्रथा थी। ठंडे प्रदेश के अच्छे सैनिक एवं शक्तिशाली योद्धा हो या ठंडा तर्क ठंडे प्रदेश के इतिहासकार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राचीन काल से भारतीय सैनिकों की विदेशों में भारी मांग थी। हखामनी शासक छयार से और दारा तृतीय ने भारतीय सैनिकों की नियुक्ति अपने सैनिक संगठन में की थी। आरबेली के युद्ध में सिकंदर के विरुद्ध लड़ने हेतु दारा तृतीय ने भारतीय सैनिकों को विशेष रूप से मांगा था। कहने का मतलब यह है कि भारतीय सैनिक भी युद्ध में प्रवीण थे, वीरता में तुर्कों से कम नहीं थे। इस मत की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि स्वयं महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारी मसूद दोनों ने अपनी बहु जातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति बहुत बड़ी संख्या में की थी, जिसमें एक नाम है तिलक का, दूसरा नाम है शेवेंद्र राय का। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे में देखिए कि इस्लाम धर्म की भूमिका को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए। यदि मुसलमान अल्लाह एवं कुरान के नाम पर ऊर्जा ग्रहण कर रण क्षेत्र में उतरते थे तो राजपूत भी काली एवं भैरव के नाम पर युद्ध कीड़ा समझकर प्रस्तुत होते थे। फिर अगर इस्लाम धर्म की तुर्कों की विजय में भूमिका होती तो मोहम्मद गोरी दो बार भारत में पराजित नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत में व्याप्त जाति प्रथा को भी अतिरंजित करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि तुर्क एवं राजपूत दोनों समाज विभाजित थे। ठीक है, यहीं पर इसकी भी चर्चा कर देना तार्किक कि भारत में कभी भी जाति प्रथा ने निम्न जातियों को सेना में शामिल होने से नहीं रोका। खुद कौटिल्य ने प्राचीन काल में शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार दिया था। यही कारण है कि आकार एवं मानव संसाधन की दृष्टि से तुर्की सेना, जो राजपूत सेना है, तुर्की सेना से भी बड़ी होती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरे, भाईचारे की भावना से तुर्की विजेता कभी भी ओतप्रोत नहीं थे। खुद बलबन भी कहा करता था, मैं अफरासियाब का वंशज हूँ और मैं जब कभी भी निम्न कुल के में जन्मे किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे नथुने फड़फड़ाने लगते हैं और मेरे हाथ तलवार पर चले जाते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है और वह हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि राजपूतों की तुलना में तुर्कों में सामाजिक बंधनों की कसावट ढीली थी। तुर्कों में सामाजिक भेदभाव उतना जटिल और गंभीर नहीं था जितना कि हिंदू समाज में था। भारतीय समाज में पृथकतावादी प्रवृत्ति का प्रसार हो गया था। लोग छोटे छोटे क्षेत्र को अपना देश मानते थे। समाज में कलिवर्ज सिद्धांत या विदेश यात्रा निषेध भी लागू था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विदेश यात्रा निषेध किसे कहा जाता है, तो कलिवर्ज सिद्धांत को विदेश यात्रा निषेध कहा जाता है, जिसके कारण बाहरी देशों के नवीन ज्ञान से भारतीय समाज लाभ नहीं उठा सका था। सतीश चंद्र के अनुसार
कि भारतीयों के बीच में विदेशियों का अध्ययन करने वाला कोई अलगरूनी नहीं निकला। बौद्धिक रूप से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत काफी पिछड़ गया था। ठीक है, अब देखिए, अब अगले, अब यहां पे आपको दिखाते हैं, यहां पे, अब यहां पे देखिए, अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर राजपूतों की पराजय के मूल कारण क्या थे। तो इसका जवाब ए.बी.एम. हबीबुल्ला महोदय देते हैं। ए.बी.एम. हबीबुल्ला महोदय ने कहा, गोरी की सफलता को किसी तत्कालीन घटना में नहीं खोजना चाहिए, अपितु यह एक ऐसी दीर्घकालीन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम थी जो समूची 12वीं सदी तक जारी रही। सतीश चंद्र महोदय के अनुसार वस्तुतः हिंदुस्तान में सिंध से बाहर पैर जमाने की टोही गतिविधियां महमूद गजनवी के उत्कर्ष के एक सदी से पूर्व से ही शुरू हो गई थी। फिर महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान एवं पंजाब पर अधिकार करके भारत की बाहरी सुरक्षा को तोड़ दिया था। यहीं से भारत को सामरिक दृष्टि से बचावनी, जिसे रक्षात्मक रवैया कहा जाता है, अपनाने को विवश होना पड़ा। वास्तव में हार की पटकथा तो यही के क्षेत्र में अल हिंद कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, वास्तव में हार की पटकथा तो वहीं से शुरू हो गई थी कि 1192 में जाकर समाप्त होती। अब देखिए, काबुल, जाबुल एवं जमीदावर अर्थात हलमंद नदी के आसपास के क्षेत्र जिसे अल हिंद कहा जाता था, 9वीं सदी में तुर्कों ने उस पर कब्जा कर लिया था। अब ध्यान देने की बात है कि राजपूत राज्यों ने सामरिक अंतर्दृष्टि को ध्यान में रखकर जो बात की जाती थी उस समय वो नितांत उसका अभाव था। वह अफगानिस्तान पंजाब से तुर्कों को उखाड़ फेंकने के लिए कोई साझा रणनीति का मोर्चा नहीं बना सके थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कि राजपूत सैन्य ढांचे पर नजर डाले तो यह सैन्य संगठन नेतृत्व में की दृष्टि से काफी कमजोर था। एक तो सामंती प्रथा के कारण राज्य की आय काफी सीमित हो गई थी, क्योंकि भू राजस्व का विभाजन सामंतों में हो जाता था, जिससे ऊपरी एवं या केंद्रीय नेतृत्व को इसका अल्प भाग ही प्राप्त हो पाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि शासक के हाथ में आर्थिक साधन सीमित हो गए थे। वैराज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैन्य संगठन का बोझ उठाने में असमर्थ थे। राजपूत शासक जहां सामंतों द्वारा जुटाई गई एक विकेंद्रीकृत सेना का नेतृत्व करते थे, वहीं तुर्क इक्तेदारी के माध्यम से एक केंद्रीय सेना का नेतृत्व किया करते थे। इसीलिए राजपूतों की पराजय के एक कारणों में इक्तेदारी प्रथा का जो सामंती पद्धति है उस पर डाला जाना चाहिए। अब आगे देखिए, तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राजपूतों में राजनीतिक दृष्टि की कमी थी, लेकिन इसी के साथ उनकी जो रण पद्धति थी वह तुर्कों से बेहतर नहीं थी। मिन्हाज जो इतिहासकारों को कहते हैं
सर्वप्रथम भारतवर्ष में करवा नामक अस्त्र का प्रयोग मोहम्मद गोरी ने किया था। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक अस्त्र की बात की गई है, वह उसके विषय में मिन्हाज ने कहा कि सबसे पहले भारत में करवा नामक अस्त्र का प्रयोग मोहम्मद गोरी ने किया था। करवा अस्त्र गोरी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। तुर्कों को विश्व में सर्वाधिक निपुण घुड़सवार होने की ख्याति प्राप्त थी। राजपूत जहां अपनी सारी सेना एक साथ झोंक देते थे, वही तुर्क अपनी छोटी टुकड़ी कावतुली सेना के रूप में बचाकर रखते थे, जिससे अपनी हार को जीत में बदल देते थे। ध्यान देने की बात है, इसी कावतुली सेना के ही बल पर कड़ा और अवध के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता था। बाबर भी कहा करता था कि भारतीय मरना जानते हैं, लेकिन युद्ध करना नहीं जानते। ठीक है, राजपूतों द्वारा धर्म युद्ध करना, भागती सेना पर हमला ना करना, साथ ही साथ भारतीयों तुर्क शासकों में हार के कारणों में दृष्टिकोण का बुनियादी फर्क भी है। भारतीय शासक युद्ध में हार को व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी कभी आत्महत्या कर लेते थे, जैसे महमूद गजनबी ऐबक से हारने के बाद जयपाल एवं हरिराज द्वारा आत्महत्या कर लिया गया था। अब आपको ध्यान देना है कि महमूद गजनबी से हारने के बाद जयपाल ने आत्महत्या की थी, और ऐबक से हारने के बाद हरिराज ने आत्महत्या कर लिया था। वहीं तुर्क शासक हार के कारणों का गहन परीक्षण कर एवं स्वयं में महत्तम सुधार करके एक बार पुनः रण क्षेत्र में उपस्थित होते थे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 1192 में मोहम्मद गोरी जब तराइन के प्रथम युद्ध में हार गया, तो जाकर के उसने अपनी हार की समीक्षा की और पूरी तैयारी करके एक वर्ष बाद आकर के दोबारा लड़ा और वहां पर विजय प्राप्त की। कुल मिलाकर के राजपूतों की हार के कारणों में सैनिक संगठन नेतृत्व की कमजोरी थी, दोषपूर्ण सामाजिक संगठन के साथ साथ राजपूतों में व्याप्त वह पृथक्करण का भाव भी था, जिसके कारण वह एक होकर कभी भी युद्ध नहीं किए थे। एक एक करके पश्चिम से होने वाले आक्रमणों का सामना नहीं कर पाए और वह हारते चले गए। इस तरीके से एक किसी ने सही बात कही है कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। एक बार फिर इसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। तो साथियों, इस तरीके से आज की जो क्लास है मोहम्मद गोरी से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी तो हमने चर्चा की। तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है, अब इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। देखिए, जो अगली क्लास होगी वह दिल्ली सल्तनत से संबंधित होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।